हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशी एंड वेलकम टू सबास किचन। वर्ल्ड चॉकलेट डे पर मैं बना रही हूँ कोल्ड कोको। ये सूरत की फेमस चॉकलेटी ड्रिंक है जिसे पहले गैस पर पकाया जाता है और फिर इसे फ्रिज में ठंडा करके सर्व किया जाता है। सच में बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है ये और इसे बनाना है बेहद ही आसान। तो फिर आइए बनाते हैं कोल्ड कोको। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगी। कोल्ड कोको बनाने के लिए ये मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 800 ml मिल्क। अगर मेजरिंग कप से नापे तो 4 कप दूध मैंने लिया है। दूध को धीमी आंच पर बॉईल करें और जब दूध में स्थान से उबाल आ जाए तो एक कटोरी में स्थान से दूध निकाल लें, क्योंकि इस गर्म दूध को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे स्लरी दो तरह की, जिसमें एक होगी कोको पाउडर की स्लरी और दूसरी कॉर्नफ्लोर की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कटोरी में 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर ले लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ विक फील का कोको पाउडर जो कि बना है नेचुरल कोको बीन से। तो चलिए अब स्लरी बनाने के लिए कोको पाउडर में बॉईल किया हुआ जो मिल्क है वो इसमें आधा डाल दें और फिर कोको पाउडर घुलने तक चम्मच की सहायता से इसे खूब अच्छे से मिला लें। देखिए, ठंडे दूध में अगर हम कोको पाउडर मिलाएं तो कोको पाउडर और दूध अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, लेकिन गर्म दूध में कोको पाउडर बहुत ही झटपट और बढ़िया से मिक्स हो जाता है, इसलिए गर्म दूध में कोको पाउडर डिजोल्व होने तक मिला लें। ये देखिए, कोको पाउडर की स्लरी बनकर तैयार है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लम्स यानी कि गांठें जरा भी नहीं है। तो ये हमारा कोको पाउडर का एक घोल बनकर हो गया तैयार। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने विकफिल का ही कॉर्नफ्लोर लिया है, वो भी 2 बड़ा चम्मच। अब कॉर्नफ्लोर में भी बाकी का आधा बचा कर रखा हुआ दूध डालकर मिला लें। कॉर्नफ्लोर में आप ठंडा दूध डालें या फिर गर्म दूध डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉर्नफ्लोर लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आते ही घुल जाता है। तो यहाँ केवल आधे मिनट में हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब दोनों ही घोल को डाल देते हैं गैस फ्लेम पर रखे हुए इस मिल्क में जिसे मैंने अब तक के धीमी आंच पर बॉईल होने रखा है। तो पहले मैं ये कोको पाउडर वाला घोल ऐड कर रही हूँ। सच में आज मेरा किचन चॉकलेट से महक रहा है। इसके बाद हम और भी चॉकलेट्स ऐड करने वाले हैं, लेकिन पहले इसमें कोको पाउडर का घोल डाल दें और फिर ये कॉर्नफ्लोर का घोल दूध में डालकर खूब अच्छे से मिला लें। दोनों ही घोल डालने के बाद लगातार चम्मच से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर दूध को पकाएं और फिर 2-3 मिनट बाद डाल दें डार्क चॉकलेट। ये मैं 1/2 कप चौपकी हुई डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट थोड़ी सी फ्लेवर में कड़वी होती है, इसीलिए इसे बिटर चॉकलेट भी कहते हैं। तो डार्क चॉकलेट की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1/2 कप मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोग शक्कर ऐड करते हैं स्वीटनेस के लिए, लेकिन मेरे पास मिल्क चॉकलेट है सो मैंने मिल्क चॉकलेट ऐड कर लिया। वैसे भी हम बना रहे हैं कोल्ड कोको, तो चॉकलेट जितनी डलेगी उतना ही रिच चॉकलेटी फ्लेवर आएगा हमारे इस ड्रिंक में। लेकिन अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट ना हो तो आप 3 से 4 बड़े चम्मच शक्कर डालकर मिला लें। अच्छा, यहाँ आप एक बात का खास ध्यान रखें, चॉकलेट डालने के बाद हमें इसे लगातार चम्मच से चलाते रहना है, मतलब कि हाथ को अपने बिना रोके इसे स्टर करते रहें जब तक कि चॉकलेट पूरी तरह से दूध में घुल नहीं जाती। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा नहीं, बस 12 से 15 मिनट धीमी आंच पर इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएं। ध्यान रहे, अगर इस प्रोसेस को हमने ठीक से फॉलो नहीं किया, मतलब जहाँ हमने अपने हाथों को रोका बस उसी वक्त चॉकलेट कढ़ाई के तले पर बैठ जाएगी और फिर जल भी जाएगी। तो इसीलिए इसे लगातार चम्मच से स्टर करते रहें जब तक कि चॉकलेट आपकी पूरी तरह से घुल ना जाए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि चॉकलेट को पहले ही आप डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लें और फिर उसे दूध में डालकर मिला लें। आफ्टर ऑल चॉइस इज योर्स। जो आपको इजी मेथड लगे वो आप फॉलो करें। तो करीब 15 मिनट लगातार स्टर करते हुए धीमी आंच पर पकाने के बाद अब आप चॉकलेटी टेक्सचर देखें इसका, कितना गाढ़ा और शाइनी हो गया है ये, बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्सचर। तो यहाँ पर चॉकलेट मेरी कंप्लीटली मेल्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पर गैस को बंद करके हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसे फैन के नीचे ऐसे चम्मच से चलाते हुए ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि इसे ऐसे ठंडा करने से हमारे ड्रिंक में लम्स नहीं पड़ेंगे। और कोको ड्रिंक रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया कि नहीं, ये आप थोड़ा सा ड्रिंक ऐसे हथेली पर डालकर चेक करें, क्योंकि अगर आपका ड्रिंक ठंडा हो गया होगा तो ऑब्वियसली आपको हथेली पर गर्माहट फील नहीं होगी। तो मेरा ये कोको ड्रिंक ठंडा हो गया है, अब इसे मैं 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ चिल होने के लिए, क्योंकि जब ये फ्रिज में चिल होगा तभी तो ये कहलाएगा कोल्ड कोको। तो इसे चिल होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दें फ्रिज में। तो ये लीजिए, 2 घंटे हो गए और हमारा कोल्ड कोको बेहद ठंडा हो गया है फ्रिज में। मेरे लिए इतना ठंडा काफी है, इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब्स ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये ड्रिंक और ठंडी चाहते हो तो ग्लास में इसे सर्व करने से पहले थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। इसे ग्लास में सर्व करने पर आप देखें कितना स्मूथ चॉकलेटी टेक्सचर आया है हमारे इस कोल्ड कोको का। ओहो हो, लेकिन इतनी चॉकलेट काफी नहीं। इसे ग्लास में सर्व करने के बाद इस पर मैं थोड़ी सी चॉकलेट और ग्रेट कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए।
मतलब गार्निशिंग करने से क्या होता है ना, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। खैर मैं तो चॉकलेट ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए इस पर चोको चिप्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऑप्शनल चॉइसेस, या जिसे आप जैसे चाहें वैसे गार्निश करें और फिर इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करें। सो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जल्दी से बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।